बेबीज हव यू ऑल आई होप फाइन एंड वेरी रिमेंबर वर्ड्स क्या होते हैं यस yes, दो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले या दो कॉन्सोनेंट को ब्लेंड करके बनाए हुए नए साउंड के साथ शुरू होने वाले वर्ड्स ब्लैंड वर्ड्स कहलाते हैं जैसे कि हमने सी एच और एस एच वाले ब्लैंड वर्ड्स लर्न कर लिए थे आज हम लर्न करने वाले हैं टी एच साउंड वर्ड्स टी एच को हम थ की तरह यूज करते हैं कैसे साउंड करते हैं हम उसको या कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम उसको हम उसको थ की तरह प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं थम वॉट इज दिस इट्स अ थम राइट ये है हमारा थम्प जो टी एच से स्टार्ट होता है ओके okay? और इसको हमको प्रैक्टिस भी करनी है हमको स्पेलिंग भी लर्न करनी है सो वी नीड टू राइट इट ओवर हियर लाइक टी एच यू एम बी थम्ब टी एच से स्टार्ट होने वाला ब्लाइंड वर्ड है थम्ब ओके द नेक्स्ट वन इज थॉर्न टी एच से स्टार्ट हो रहा है एंड द वर्ड इज थॉर्न अब इसमें से थॉर्न क्या है पता है थॉर्न है ये जो कांटे होते हैं वो थॉर्न कहलाते हैं क्या कहलाते हैं थॉर्न एंड दिस बाकी की स्पेलिंग है ओ आर एन थॉर्न ओके नेक्स्ट वन इज थर्मस थर्मस टी एच से स्टार्ट होने वाला एक और वर्ड सो द नेक्स्ट वर्ड इज थर्मस ये हो गया हमारा थर्मस ओके okay? स्टार्ट नहीं होते हैं ब्लैंड वर्ड्स एंड भी होते हैं जैसे कि टी एच से एंड होने वाला वर्ड है पाथ एंड स्पेलिंग इज पी ए टी एच पाथ बाथ पाथ मींस पाथ मीन्स ये जो दिख रहा है ना ये रास्ता दिस इज पाथ पाथ मीन्स रास्ता देन बाथ means नहाना. Okay. बाथ मींस नहा ना ओके बाएच पे एंड हुआ है ना सो so इट्स बाथ दिस वन इज कपड़ा दिख रहा है इसको हम कहते हैं क्लॉ थ क्या कहते हैं हम क्लॉ थ